पिछले 13 महीने में देखा और सुना गया कि कैसे जेडीएस और कांग्रेस अपने राजनीतिक विरोधी से ज्यादा आपस में ही लड़ रहे थे। अब इसमें कैसे किसी दूसरी पार्टी को दोष देना चाहिए कि उसकी वजह से राजनीतिक संकट बना है, ये तो कांग्रेस के नेताओं को समझना होगा कि जिस वक्त उनकी पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है, कोई दिशा दिखाने वाला है ही नहीं। उसमें समय रहते उन दिक्कतों को दूर करना चाहिए था जिनकी वजह से कर्नाटक सरकार खतरे में है। ये 13 महीने पहले की तस्वीरें हैं जब बेंगलुरु में समूचा विपक्ष जुट गया था उन उम्मीदों के साथ जिनमें 2019 के चुनाव में मिलकर नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक लेने की सोच थी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सत्ता में आने से कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर रोक लिया था, जिसके लिए कांग्रेस ने सीएम पद की कुर्बानी तक दे दी थी। लेकिन इन कुर्बानियों का अब क्या फायदा जब लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गए। इसलिए कहा जा रहा है कि कर्नाटक में जो हो रहा है वो तो होना ही था। कर्नाटक में जो पार्टी नंबर 1 बनी थी वो विपक्ष में है, जो नंबर 3 की पार्टी थी उसका मुख्यमंत्री है, जो नंबर 2 की कांग्रेस थी वो मलाईदार मंत्रालय लेकर मलाई खा रही है और वहाँ की जनता को कुछ नहीं मिल रहा। वहाँ जेडीएस और कांग्रेस के कई विधायक मानते हैं कि अनैतिक गठबंधन था ये। यहाँ पर देखिए क्यों बनाया उन्होंने कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस को जनता ने सत्ता से बाहर जाने का मैंडेट दिया, लेकिन उन्होंने कुमार स्वामी को सामने रखकर अपनी सरकार को चलाने का काम किया है। ये बात बीजेपी उस आरोप के जवाब में कह रही है जिसमें कांग्रेस और जेडीएस दोनों बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं कि कर्नाटक का राजनीतिक संकट बीजेपी की वजह से बना है, क्योंकि वो कर्नाटक में गठबंधन सरकार को अस्थिर करना चाहती है और अपनी सरकार बनाना चाहती है, जिसमें वो आज से नहीं बल्कि तब से लगी है जब से कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस ने साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता से दूर किया था। When I talk with them, then only I will know what is their opinion, what is in the ground, how much mileage they have gone, and how much we can do. Is it possible to do anything? That we'll examine, and I will tell later on. लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के बीच गठबंधन सरकार के 13 महीने में कभी आपस में नहीं बनी। कांग्रेस के विधायक कुमार स्वामी को सीएम नहीं मानते थे और इसे खुलकर कहते रहे कि उनके सीएम तो अब भी सिद्धारमैया ही हैं। तो कुमार स्वामी सार्वजनिक तौर पर आंसू बहाते रहे। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें ही मिलने के बाद सवाल तो उठने ही लगे थे कि अब गठबंधन सरकार कितने दिन चलेगी। This is a basically unholy alliance and they are trying to, Mr. Siddaramaiah is behind it and Congress party as a whole, they are trying to throw out Mr. Kumar Swami by doing all this drama. So we are watching it at this point of time. I don't want to say anything much, but this is the game plan of Congress party. To oust Devegowda and family. Devegowda and family should understand this reality. And Siddaramaiah, from beginning, he was against the Devegowda and family to make them as the chief minister or minister, anything for that matter. And subsequently, because of the compulsion of the Lok Sabha election, he was keeping quiet. कर्नाटक के इस राजनीतिक संकट की शुरुआत सोमवार को हुई थी जब कांग्रेस के 2 विधायकों अनंत सिंह और रमेश जारकीहोली ने विधानसभा स्पीकर को इस्तीफा दे दिया था। बागी रमेश जारकीहोली तो तब से नाराज चल रहे हैं जब पिछले साल कैबिनेट से उन्हें हटा दिया गया था। 6 दिन के अंदर 11 और विधायक इस्तीफा देकर बेंगलुरु से मुंबई चले आए हैं। इस वक्त अब मौजूद है वही होटल के बाहर, ये बीकेसी स्थित सोफिटेल होटल है, ये 5-स्टार होटल है जहां पर 10 से ज्यादा एमएलएस कांग्रेस और जेडीएस के रुके हुए हैं। अब पहला जो जत्था था इन एमएलएस का वो कल शाम में आया, 8 एमएलएस थे, वो पहले प्राइवेट प्लेन से यहां पर उतरे, फिर उसके बाद और अन्य 3 एमएलएस दूसरे प्राइवेट प्लेन से यहां पर आ गए।